दोस्तों, भारत का इकलौता ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने 58,000 BCS की महिलाओं का सिलेक्शन किया है। जिसने ये वैकेंसी निकाली थी कि 58,000 BCS की महिलाओं को हमें सिलेक्ट करना है और गांव-गांव तक बैंकिंग योजनाएं पहुंचानी है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले ये वाली योजना चलाई है। तो चलो दोस्तों, इसी खुशी के साथ जो हमारे मुख्यमंत्री ने 58,000 महिलाओं को रोजगार देने का वादा किया था वो लगभग पूरा हो चुका है। उनको लैपटॉप वगैरह मिल चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्राइमोजी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और खास इसलिए होने वाली है क्योंकि जिन BCS की महिलाओं ने पिछले 1 साल से यह इंतजार किया है कि कब हमारा नंबर आएगा, कब हम इस BCS की सिलेक्शन हो पाएंगे और कब हमें इसका फल मिलेगा, तो दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप लोगों को इंतजार था, जिसका हमने बताया था कि आप लोगों को 75,000 रुपए के साथ साथ लैपटॉप वगैरह सारी चीजें भी मिलेंगी। तो दोस्तों, सरकार ने जैसे घोषणा की थी कि उनका सिलेक्शन करा दिया जाए और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा था कि उनको जो किट है वो वितरण कर दी जाए। तो इसकी जो पहली किस्त है वो आ चुकी है, जो पहली वितरण समिति है वो बैठ चुकी है और जो पहला वितरण होने वाला था वो भी हो चुका है। दोस्तों, ये न्यूज़ तो आपने बहुत सारे चैनल पे ऑलरेडी देख ली होगी, लेकिन आज मैं आपको इसमें कुछ खास बताने वाला हूं कि कब आपके हाथ में ये चीजें आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमेशा की तरह दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी और सच्ची जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो भी BCS की महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है उनको लैपटॉप मिलना शुरू हो चुका है। यहां तक कि कुछ महिलाओं को लैपटॉप उनके हाथ में आ भी गया है। उसके साथ साथ उनको एक प्रिंटर दिया जा रहा है, एक मॉर्फो डिवाइस दी जा रही है और साथ ही साथ उनको मोबाइल के लिए या कैमरे के लिए पैसे भी मिलेंगे। ये सारी सुविधाएं दोस्तों आपको मिलने वाली है। कैसे कैसे आपको मिलने वाले हैं, कहाँ कहाँ ये वितरण हुआ है वो सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला वितरण हुआ है वो बाराबंकी जिले में हुआ है। बाराबंकी जिले में गुरुवार की न्यूज है, अगर आपको यकीन ना हो तो गुरुवार का आप हिंदुस्तान पेपर उठा के देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरा विस्तृतीकरण मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली किस्त में 17 महिलाएं ऐसी हैं जिनको लैपटॉप बांटा गया है, साथ ही साथ उनको मोर्फो डिवाइस बांटी गई है और साथ ही साथ उनको कैमरा वगैरह ये सारा कुछ उनको दिया गया है, प्रिंटर दिया गया है ताकि वो अच्छे से अपने काम को शुरू कर सकें। और ये देने से पहले दोस्तों उनको 1 दिन का BCS प्रशिक्षण भी दिया गया था। आप इस प्रशिक्षण को अगर सीधी भाषा में समझें तो जो CSC वाले काम करते हैं ना, वैसे ही उनको सिखाया गया था कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम पे काम कर सकते हैं। ये सारी डिटेल उनको दी गई थी। अब दोस्तों, खुशी की बात इसमें यह है क्योंकि ये पहला चरण था और ये शुरुआती चरण था, क्योंकि 17 महिलाओं को सिर्फ इसमें मिला है, 56,000 कुछ महिलाओं को ये सारा कुछ मिलने वाला है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी आपका प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो लगभग पूरा हो चुका है, फाइनल चरण उसका लगभग पूरा हो चुका है। जैसे ही फाइनल चरण होगा आपके पास 1 दिन के प्रशिक्षण के लिए कॉल आ जाएगी और 1 दिन के प्रशिक्षण के लिए आपको ये बता दिया जाएगा कि सिर्फ आप 1 दिन के लिए लैब में आइए और अपनी ट्रेनिंग कीजिए और अपना लैपटॉप लेके जाइए। तो ये सारा कुछ शुरू होने वाला है। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान न्यूज ने सबसे पहले न्यूज दिखाई है और सबसे पहले ये बताया कि इन महिलाओं को इनके हाथ में लैपटॉप आ चुका है, इनको लैपटॉप मिल चुका है। अगर आपको भी लैपटॉप लेना है तो आपको अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी और अच्छे से पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने ट्रेनिंग में कोई भी ढिलाई बरती तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों, लैपटॉप मिलने के बाद आपको क्या करना होगा, कहाँ बैठना होगा? तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने पहले ही कर दिया है, 1 ग्राम पंचायत में मतलब एक गांव में एक ही महिला बीसी सखी होगी और उसको उसी के गांव में काम दिया जाएगा। यानी कि इस काम को आप अपने एक तरीके से आप अपने ग्राम पंचायत से लेकर अपने घर के ऑफिस तक कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक जगह बैठना है, काम करना है, प्रिंट करना है, बहुत सारी चीजें करनी है जो मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, जैसे कि इसमें राशन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, मनरेगा का पेमेंट हो गया, मनरेगा के अकाउंट हो गए, ये सारा कुछ आपको इसमें करना पड़ेगा। बीमा हो गया, आप लोकल बीमा भी इसमें कर सकते हैं जिसकी कमीशन आपको मिलेगी। जितना आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपको पैसा जनरेट होगा, सीधी सी बात है दोस्तों। और दोस्तों, एक और न्यूज इसमें बढ़ के आ गई है। अब जो BCS की महिला जहां तक 4,000 रुपए तक सीमित थी ना, उनको साथ वो कमीशन भी सीमित थी, लेकिन अब इसको और बढ़ा दिया गया है। सरकार उनको हर महीने 1,200 रुपए एक्स्ट्रा और देने वाली है। दोस्तों,
दोस्तों ये सारा कुछ 1200 रुपए किस तरीके से मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बता देते हैं 1200 रुपए आपको किस तरीके से मिलेंगे। 1200 रुपए आपको, जब आपको 4000 रुपए मिलने बंद हो जाएंगे तो सरकार हर महीने आपको 1200 रुपए देगी। 1200 रुपए के एवज में सरकार आपको सिर्फ इतना काम कराएगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा नए समूह बनाने होंगे, उन समूह में ऑपरेट रहना होगा, उन समूह का डाटा हमेशा ब्लॉक में रखना होगा। ये बस इतना सा काम करना होगा आपको, जो आप हमेशा ही करेंगे और करते हैं, ये नॉर्मल सा काम है। इसके बदले आपको 1200 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत अच्छी स्कीम है, कोशिश कीजिए आगे भी आपको सिलेक्शन मिलता रहे, आगे भी ये न्यूज़ आती रहे। ऐसी ही न्यूज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छी और सच्ची न्यूज़ आपको इस तरीके से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।